हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मट्ठा। मट्ठे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, खासकर गर्मियों में। मट्ठा पीने में जितना टेस्टी लगता है, सेहत के लिए भी उतना ही लाभदायक होता है। मट्ठे से डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मट्ठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा लीटर दही लिया है, आप देख सकते हैं। एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच सादा नमक, 6 टेबलस्पून चीनी ली है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्च की मैंने यहाँ पर पेस्ट करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें अपना दही डालेंगे। इसमें हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्सर में से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अपना दही मिक्सर में से फेंट लिया है। एक बर्तन लेंगे और उसमें ये फेटा हुआ दही डालेंगे। अब हम फ्रिज का 1 लीटर ठंडा पानी लेंगे और ये पानी इस मट्ठे में डालेंगे। हम ये 1 लीटर पूरा पानी इस मट्ठे में डाल देंगे। हमने आधा लीटर दही लिया है, जिसके लिए हमने 1 लीटर पानी लिया है। अब हम इसमें ये जीरा पाउडर डालेंगे, सादा नमक, काला नमक और ये 6 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, आप देख सकते हैं। चीनी दही को बैलेंस करती है और मट्ठे में थोड़ी सी चीनी डालने से मट्ठे की टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम इसमें ये ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। अदरक से भी मट्ठे की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अदरक से डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अब हम इसमें ये हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 हरी मिर्च ली है, हल्की सी टेस्ट के लिए। मट्ठे में हमें हरी मिर्च ज्यादा नहीं डालनी है, वरना मट्ठा पीते समय गले में तीखी खराश होती है। मट्ठे में हम हरी मिर्च सिर्फ 1 या 2 लेंगे टेस्ट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा मट्ठा अब पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसे सर्विंग ग्लास में निकालेंगे। गार्निशिंग के लिए इस पर पुदीने के पत्ते रखेंगे, आप देख सकते हैं। हमारा मट्ठा रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये मट्ठे की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।